हे एवरीवन, फिर से आप सभी लोग और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग टी शॉपर में प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो वहाँ पे हम लोग खुद का प्रॉफिट मार्जिन कैसे सेट करें, एंड आप लोगों में से कोई अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा ये 2-3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका था, तो इन सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उन सारे वीडियोस में ना मैं डिटेलिंग में बताया है कि कैसे आप टी शॉपर में अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से आप अपना स्टोर को सजाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे, तो उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो का मोटिव यही है, अगर आपने खुद का स्टोर बना लिया है तो टी शॉपर में कैसे आप खुद का मार्जिन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे ना काफी सारे ऐसे चार्जेस होता है, अगर आप मान लीजिए ऐसे सोच रहे कि मैं कम से कम पैसे में इसको बेचूंगा तो आपका वो आप पे ना GST और भी काफी सारे ऐसे चार्जेस है वहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें प्रॉफिट भी वहाँ पे बनाना है, ऐसा नहीं कि हम लोग लॉस में हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, हमें वहाँ पे प्रॉफिट भी चाहिए। वो कैसे हम लोग पता करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मेरा स्टोर फ्रंट है एंड यहाँ पे देखिए सब टी शर्ट यहाँ पे लगभग 649 करके यहाँ पे मैंने डाला है। तो चलिए कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट डिजाइन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना एक नॉर्मल टी शर्ट आ गया, व्हाइट आ सकता है या अगर आप ब्लैक में चाहते तो ब्लैक आ जाएगा, येलो आ जाएगा, बहुत सारे कलर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप किस टाइप का टी शर्ट चाहते हैं, फुल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, ओवरसाइज टी शर्ट आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो ये मैं ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, अभी इसका भी कलर काफ़ी सारे हैं तो यहाँ पे मैं ब्लैक से ही करूँगा। ये यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ इसको, आप मिडिल में ले आइए इसको, एंड चाहे तो इसका कलर भी ना आप चेंज कर सकते हैं, इसका देखिए यहाँ से कलर चेंज होगा, एंड इसका टेक्स्ट अगर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड। अभी हम लोग यहाँ पे इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो मैं सेल इसमें क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखिए आपको अपने प्रोडक्ट के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। आपका जो मार्कअप प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे दिखाएगा बेस प्राइस है ये। अभी देखिए सबसे पहले जब भी आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना, तो यहाँ पे ना तो आपको डिलीवरी का टेंशन होगा, ना तो कोई भी टी शर्ट अगर रिटर्न आते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं देखना होगा, ये भी वेबसाइट यहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको डिलीवरी चार्ज आपका यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी यहाँ पे कटेंगे। मान लीजिए आप 500 रुपये में बेच दिया, वो कस्टमर अगर 500 रुपये देता है तो ये वेबसाइट ही आपसे वो 50 या 100 रुपये कट लेगा, है ना। तो आपको उस हिसाब से रखना होगा, ज़्यादा कम में भी आप बेच नहीं सकते, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 300 का प्रॉफिट रखना है। इसीलिए हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है कि इसका लोगो अच्छा हो ताकि लोग इसे पसंद करें 700 या 800 रुपये में भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 499 है तो हम लोग इसको बेचेंगे कितने प्राइस में, 679, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 749, ठीक है, ये 7 नहीं आया, 7, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस जो होगा 787 में, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा 250 रुपीज़, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा करना चाहते हैं, 713 मैं मार्कअप प्राइस दिया है, ठीक है, ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बना रहे, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेट होगा 214 रुपये, ठीक है, बाकी सब कुछ मिला के यहाँ पे मेरा 214 रुपये पर सेल होगा। ये जो 713 लिखा है, 713 एंड यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है 749, यहाँ से यहाँ तक जो भी यहाँ पे प्राइस बन रहा है ना वो ये डिलीवरी चार्ज के लिए कट लेगा, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट होगा वो है 214 रुपये, ठीक है, पर सेल। तो ये था किस तरीके से आप मार्जिन को सेट करेंगे, एंड अगर आपको इसके ऊपर डिटेल और कोई वीडियो चाहिए, कोई जगह पे दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड नीचे मैंने आप लोगों को तीनों वीडियो का लिंक दे रखा है, उन सारे वीडियोस को देख लीजिए अच्छे से, तो आपको और भी ज़्यादा नॉलेज होगा इस वेबसाइट के बारे में। एंड बाकी इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बना के आप लोगों के पास ले आऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में, आज के लिए इतनी, थैंक यू।